अगर दोस्तों आप एक बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिजिटल प्रोसेस से अपने अकाउंट को खोलना चाहते हैं, तो इस केस में दोस्तों न्यूऑक्स डिजिटल सेविंग्स अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट में दोस्तों कोई भी आपको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, फुल्ली दोस्तों जीरो बैलेंस आपको अकाउंट देखने को मिल जाता है। इसकी अगर हम दोस्तों खास बात करें तो यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के बाद इंस्टेंट इसके एप्लीकेशन को आप लॉगिन कर सकते हो और न्यूऑक्स की तरफ से दोस्तों आपको फिजिकल और वर्चुअल दोनों डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि दोस्तों अकाउंट ओपन करने के बाद में इंस्टेंट ही आपको वर्चुअल मिल जाता है। साथ ही दोस्तों फिजिकल डेबिट कार्ड आपके घर पर 10 से 15 दिन के अंदर सेंड कर दिया जाता है और इससे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी दोस्तों एप्लीकेशन को भी बड़ी आसानी के साथ में आप यूज कर सकते हो और फुल्ली जीरो बैलेंस अकाउंट आपको देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों इस अकाउंट में आपको 7% का इंटरेस्ट भी देखने को मिल जाता है, जो काफी दोस्तों आपके लिए कामगार साबित हो सकता है। सो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि न्यूऑक्स डिजिटल सेविंग्स अकाउंट घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कैसे ओपन कर सकते हैं, अकाउंट ओपन करने के बाद में इसकी मोबाइल बैंकिंग को कैसे दोस्तों लॉगिन कर सकते हैं, कैसे आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा। इसका दोस्तों पूरा प्रोसेस जानने के लिए बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों न्यूऑक्स एक डिजिटल बैंकिंग है, जीरो बैलेंस अकाउंट है, घर बैठे आप ओपन कर सकते हो। अब न्यूऑक्स जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए प्ले स्टोर ओपन करेंगे, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और ओपन करेंगे। इसके बाद में दोस्तों जिस मोबाइल नंबर से आप अपने अकाउंट को ओपन करना चाहते हो वो मोबाइल नंबर यहां पर टाइप करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, तो ओटीपी इस बॉक्स में टाइप करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब अगर दोस्तों आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हो तो अगर व्हाट्सएप पर इसका अपडेट लेना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो यहाँ पर एस अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर इसका अपडेट आप व्हाट्सएप पर नहीं लेना चाहते हो तो मैं भी लेटर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके ईमेल आईडी को टाइप करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर फोन में आपके ईमेल आईडी लॉगिन है तो यहाँ पर यूज जीमेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप जितनी भी आपके फोन में ईमेल आईडी लॉगिन होगी सारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, तो इन्हीं में से एक ईमेल आईडी को सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, न्यूऑक्स मनी अकाउंट क्रिएशन, सेविंग अकाउंट क्रिएशन। यहाँ पर दोस्तों इसके खोलने के लिए आपको यहाँ पर आधार पैन की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में फाइनली यहाँ पर स्टार्ट न्यू मनी अकाउंट क्रिएशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बैंक की तरफ से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होगी जिन्हें आपको चेकआउट कर लेना है एक बार। इसके बाद में दोस्तों इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, देन आई एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों अपने एक पैन नंबर को फिल कर देना है। पैन नंबर फिल करने के बाद में सीधे आप कंफर्म करेंगे। देन दोस्तों जैसे पैन नंबर को फिल करेंगे तो यहाँ पर मिस्टर या मिसेस सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपका नाम डिस्प्ले हो जाएगा और इसके बाद में इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आधार नंबर का, वर्चुअल आईडी का। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर इस बॉक्स में टाइप करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट। अब आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगी, तो ओटीपी टाइप करेंगे, देन वेरीफाई करेंगे। आपके आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, लोकेलिटी, ये सब कुछ दोस्तों डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद में फाइनली कंटिन्यू। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि प्रोफेशनल डिटेल्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरीड सेलेक्ट करेंगे, या फिर दोस्तों अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेलेक्ट करेंगे। आपकी यहाँ पर एनुअल इनकम क्या है वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में फाइनली नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा, जैसे दोस्तों यहाँ पर फादर नेम टाइप करेंगे, मदर नेम फिल करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं सेलेक्ट करेंगे, अपने प्लेस ऑफ बर्थ का नाम टाइप करेंगे, इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट। देन यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस दोस्तों शो हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कंटिन्यू विद सेलेक्ट एड्रेस, अगर आपका यही एड्रेस है तो इसी एड्रेस पे आपका जो वेलकम किट है वो सेंड किया जाएगा। अगर कोई न्यू एड्रेस फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, हम यहाँ पर कंटिन्यू विद सेलेक्ट एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ऐड ए नॉमिनी का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो ऐड नॉमिनी के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो लेटर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आपका नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी और आपका ब्रांच ये मिल जाएगा। इसे दोस्तों कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से शेयर कर सकते हैं। देन इसके बाद में कंटिन्यू। अब यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से आपको मोबाइल नंबर को फिल करना होगा, आपके अकाउंट को वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट, एक बार फिर से ओटीपी को सेंड किया जाएगा, तो ओटीपी टाइप करेंगे, देन वेरीफाई। देन इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको पासवर्ड को सेट करना होगा, पासवर्ड वही आपको टाइप कर देना है जिस पासवर्ड से आप अपनी मोबाइल बैंकिंग को लॉगिन करना चाहते हैं। पासवर्ड दोस्तों टाइप करने के बाद में नेक्स्ट, और एक बार फिर से दोस्तों उसी पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद में दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि पासकोड जनरेटेड, यहां पर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं,
यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक्टिवेट टच आईडी, तो इसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों बैंक की तरफ से कंसेंट मिल जाएगी, तो यहां पर एग्री एंड रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फाइनली एक बार आपको ओटीपी से एक बार और वेरीफाई करना होगा, तो वेरीफाई करेंगे। देन इसके बाद में दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज मिल जाएगा। इसके बाद में यहां पर डायरेक्ट कंटिन्यू ऐप के ऑप्शन पर क्लिक करके एप्लीकेशन को आप लॉगिन कर सकते हैं। और फाइनली दोस्तों जो आपने अभी पासवर्ड को सेट किया था वही पासवर्ड टाइप कर देंगे, इसके बाद में कंफर्म करेंगे। देन इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि हम सक्सेसफुल अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं और यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको अभी भी केवाईसी करना है तो केवाईसी नॉट कंप्लीट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी दोस्तों केवाईसी को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से घर बैठे ही नियोक्स जीरो बैलेंस अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। सो अभी दोस्तों आपने देखा ये पूरा प्रोसेस था नियोक्स डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन करने का। अब यहां पर आपको वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करना होता है, तो यहां पर जैसे दोस्तों केवाईसी नॉट कंप्लीट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देते हैं और यहां पर बैंक की तरफ से एग्जीक्यूटिव जुड़ जाते हैं, कुछ आधार कार्ड के अकॉर्डिंग पैन कार्ड की इंफॉर्मेशन लेंगे, बेसिक कुछ जानकारी पूछेंगे, आपकी केवाईसी भी दोस्तों कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों यहां पर फिजिकल डेबिट कार्ड आपके घर पर सेंड कर दिया जाता है, लेकिन डेबिट कार्ड को आपको ऑर्डर करना होता है। सो कुछ इस तरीके से दोस्तों नियोक्स डिजिटल सेविंग्स अकाउंट को घर बैठे ओपन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर करना। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।